हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया गेम का गेम प्ले करने वाले हैं एंड इस गेम का नाम है पोकेमॉन शोर्ड। तो पोकेमॉन शोर्ड एंड शील्ड दो वर्जन आता है, तो मैंने पोकेमॉन शोर्ड वर्जन को परचेस किया था एंड ये आप लोग निंटेंडो स्विच एंड निंटेंडो स्विच लाइट जो गेमिंग कंसोल है उसमें खेल सकते हैं। एंड आज हम लोग जो गेम प्ले करने वाले हैं उसमें ट्राई करेंगे कि गिगेंटामैक्स जो चारिजार्ड है उसको पकड़ेंगे। तो मैं जो यूज़ करूँगा पोकेमॉन वो है प्रिमारिना, जो अलोला रीजन का स्टार्टर वाटर टाइप पोकेमॉन है। तो प्रिमारिना एक वाटर एंड फेरी टाइप पोकेमॉन है, तो उसका जो मूव है स्पार्कलिंग एरिया उसको यूज़ करेंगे जो वाटर टाइप मूव है। एंड चारिजार्ड जो है एक फायर एंड फ्लाइंग टाइप है, तो वाटर टाइप मूव उसके लिए इफेक्टिव रहेगा। एंड ये जो गेम प्ले है ये ऑनलाइन है, तो मेरे साथ और तीन मतलब प्लेयर होगा। तो एक प्लेयर ने उसका जो पोकेमॉन है उसको डायनामैक्स किया है एंड ये ईवी का फेरी टाइप वर्शन है सिल्वियन। एंड इस गेम में जो पोकेमॉन रहेगा वो गैलार रीजन का होता है एंड गैलार रीजन में पोकेमॉन का एक नया फॉर्म होता है, एक डायनामैक्स एंड गिगेंटामैक्स। एंड गिगेंटामैक्स एंड डायनामैक्स जो पोकेमॉन रहेगा उसके साथ जब आप लोग फाइट करेंगे तो दो टाइप से कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेयर के साथ आप लोग साथ मिलकर कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करने से जो कंप्यूटर का जो तीन प्लेयर रहेगा वो आपके साथ जुड़ के आपको हेल्प करेगा। एंड जब पोकेमॉन वीक हो जाएगा तब उसको आप लोग डायनामैक्स बॉल के मदद से पकड़ सकते हैं। एंड गेम प्ले का रूल है कि यदि चार पोकेमॉन फेंट हो जाता है, मतलब आपका पोकेमॉन एंड आपके साथ जो तीन प्लेयर होगा, तब जो आप लोग जो डायनामैक्स बैटल कर रहे हैं उससे आप निकल जाएंगे, मतलब पोकेमॉन को आप पकड़ नहीं सकते। और यदि बैटल 10 राउंड तक रहता है तब भी आप लोग जो बैटल है वो ओवर हो जाएगा, मतलब ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एक गिगेंटामैक्स और डायनामैक्स जो बैटल होगा उसमें 4 प्लेयर में एक प्लेयर का जो पोकेमॉन होगा वही डायनामैक्स नहीं तो गिगेंटामैक्स में फॉर्म ले सकता है और बाकी जो पोकेमॉन रहेगा वो नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। तो अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं कैच करने के लिए गिगेंटामैक्स चारिजार्ड को। एंड इस जो गेम है पोकेमॉन शोर्ड उसमें सब पोकेमॉन गिगेंटामैक्स नहीं होता है, डायनामैक्स हो सकता है लेकिन गिगेंटामैक्स कुछ स्पेसिफिक पोकेमॉन ही हो सकता है। तो अभी देख सकते हैं जो पोकेमॉन है प्रीमियम बॉल उसको मैं मतलब वो डायनामैक्स फॉर्म ले रहा है, मतलब बड़ा हो गया है। गिगेंटामैक्स एंड डायनामैक्स पोकेमॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे निकल गया, मिस हो गया, तो यही होता है। तो फिर से ट्राई करेंगे कभी। तो गेम प्ले के बाद आप लोगों को कुछ मतलब ये रिवॉर्ड मिलता है जिसके मदद से आप लोग पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों गेम प्ले। तो यदि आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।